विश्वविद्यालय स्थित महात्मा गांधी खेल मैदान से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तहसीलदार संघ अध्यक्ष मधुबाला गर्ग ने बताया कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर फेडरेशन के द्वारा 10 जुलाई को राष्ट्रव्यापी मांग दिवस मनाए जाने के राष्ट्रीय आह्वान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू के द्वारा आयोजित प्रदर्शन के माध्यम से आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों में पोषण टेकर और संपर्क ऐप में काम करने में कार्यकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वर की समस्या रहती है। कार्यकर्ताओं को एक ही काम को कई बार करना पड़ता है। काम न होने की दशा में अधिकारी मानदेय की भी काट लेते हैं। ऐप को जल्द से जल्द बंद किया जाए। 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चों को स्कूल में प्रवेश से आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों की संख्या घट रही है। छोटे बच्चों को स्कूल में प्रवेश करवाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका क्या करेंगी। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं की सुविधा न होने के कारण सहायिकाओं का कार्य भी करना पड़ता है। तो भाई इसमें जब ऐप वो नहीं मिलेंगे, नेट नहीं मिलेंगे तो कार्यकर्ता कहाँ से काम कर पाएंगे। पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप दोनों में तो किसी एक में काम करवाया जाए, एक ऐप को बंद किया जाए और उसमें काम करवाने हम लोगों को काम करवाया जा रहा है तो उसको बंद किया जाए, किसी ऐप एक ऐप में काम करवाया जाए। और जो अदर काम करवाए जाते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से है तो वो भी बंद किए जाएं। कहीं स्वास्थ्य विभाग में है तो कहीं इसमें स्कूल में भी काम करवाया जाता है, सर्वे किया जाता है, पंचायत में भी काम करवाया जाता है और इस यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये बंद किया जाए।